सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग 1 अगस्त से होगी। जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक थे, बाकी जो नए आवेदन करेंगे उनकी 5 अगस्त से। और आज या कल में लोक शिक्षण संचालनालय जारी कर रहा है आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए। मित्रों, और अतिथि शिक्षकों का उग्र आंदोलन आज से है। परमिशन मिल चुकी है और मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों की मांग है कि महापंचायत के आदेश और गुरुजी की तर्ज पर हमारा नियमितीकरण। बड़ा अपडेट है, राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, राज्य स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन, और दिनांक है 24/7/2024। जगदीश यादव प्रदेश अध्यक्ष, और यहां पर आरएसएस बीपीएल 2024 प्रति माननीय मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। विषय है अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की संबर के समान नियमित किए जाने विषय। अगर बात करें अतिथि शिक्षकों की, तो ये सरकारी स्कूलों को चलाते हैं, 15 वर्षों से लगातार ये काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कई बार इनको आश्वासन तो दिया है लेकिन इनके हित में कुछ हुआ नहीं है। अभी भी बेरोजगार है। इस महीने अभी भी जुलाई का महीना पूरा इनका निकल चुका है, बाकी 1.5 महीने से स्कूल खुल रहे हैं लेकिन अतिथि शिक्षकों को बुलाया नहीं गया है। अभी सरकार उच्च पद परिवार प्रमोशन स्थानांतरण शून्य शिक्षकीय शाला इन व्यवस्थाओं में लगी है, और मध्य प्रदेश के 2000 से ज्यादा ऐसे स्कूल होंगे जिनमें बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि शिक्षा की नहीं है। अब मान्यवर, उपरोक्त विषय अंतर्गत मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अतिथि शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। अतिथि शिक्षकों मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। ऐसा अनेक अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने लंबे समय तक कार्य करके मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बचाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। माननीय महोदय, ऐसे अनेक अतिथि शिक्षक हैं जिन्हें सेवा करते ही 10 वर्ष का लंबा समय व्यतीत हो चुका है और वह आज भी अतिथि शिक्षक के पद पर ही हैं, निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। महोदय, आपसे निवेदन है कि इतना लंबे समय तक शिक्षा देने जैसे पुनीत कार्य करते हुए मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अहम रोल निभाने वाले अतिथि शिक्षक को नियमित करने का कोई प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। पूर्व में गुरुजी संवर्ग को उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं के एवज में एक परीक्षा के माध्यम से आपकी ही सरकार द्वारा नियमित किया गया था। राज्य शिक्षक संघ आपसे निवेदन करता है कि गुरुजी संवर्ग के ही सामान्य अतिथि शिक्षकों को भी एक परीक्षण एक पृथक से आयोजित कर उन्हें राज्य शिक्षा सेवा के नियमित शिक्षक के पद पर नियुक्त करने की कृपा करें। भाव दिए जगदीश यादव। और ये बड़ा अपडेट है, मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक मांग करते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप हमें रोजगार दें, बेरोजगार ना करें। और जहां तक बात करता हूं, जो अतिथि शिक्षक प्रमोशन का शिकार हुए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, वर्ग 3 के जो रिक्त पद हैं। बाकी आप सभी क्या कहना चाहते हैं भाइयों, फिर आ रहा हूं एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री